नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट वन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे बेडरूम में शीशा कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, आइए आज जानते हैं। आमतौर पर सजने और संवरने के लिए लोग आईने का इस्तेमाल करते हैं। बिना आईने के अपनी पर्सनैलिटी को झलका पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आईने को वास्तुशास्त्र में भी खास महत्व दिया गया है। वास्तु के मुताबिक घर में लगा आईना यदि सही स्थिति में नहीं है तो घर के सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर घर में लगा आईना वास्तु के अनुरूप है तो घर की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में लगा आईना कैसा रहना चाहिए, आइए आज इसे जानते हैं। किसी भी आईने को बेडरूम में लगाते समय खास सावधानियाँ रखनी चाहिए। आईने को कमरे में इस तरह लगाना चाहिए कि जिससे सोते वक्त शरीर का कोई भी हिस्सा शीशे में दिखाई ना दे। आइए जानते हैं बेडरूम में किस स्थान पर आईना न रखें। वास्तु के अनुसार बेड के बिल्कुल आमने सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। यदि पहले से लगा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। बेड के सामने लगा शीशा आयु को कम करता है। इसके अलावा आईने को बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल पर, कमरे की खिड़की या दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि बाहर की रोशनी टकरा कर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है जिससे घर के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह आपको बेडरूम में आईना लगाना है। बेडरूम के दरवाजे के भीतर आईना लगाना भी वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ लगाने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जिससे घर की तरक्की नहीं हो पाती। वास्तु के मुताबिक अगर कमरे का दरवाजा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना है तो उसमें आईना लगाया जा सकता है। इसके अलावा घर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में आईना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे कला या कलेश बढ़ता है। किसी भी आईने को बेडरूम में लगाते समय खास सावधानी रखनी चाहिए। आईने को कमरे में इस तरह लगाएं कि कोई भी हिस्सा दिखाई ना दे क्योंकि इससे सेहत से संबंधित परेशानियां बढ़ने का खतरा रहता है। अब जान लेते हैं कि किस दिशा में लगाया जाना चाहिए आईना। आईना हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लगाया जाना चाहिए। घर में इस दिशा में आईना लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कोशिश करना चाहिए कि शीशा अधिक बड़ा ना हो। गोल आकृति को छोड़कर किसी भी शेप का आईना घर में लगा सकते हैं। वहीं नुकीला, टूटा और गंदा आईना घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।